कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने सतगुर दिल दिया जाने कंछी वाला दिल दिया जाने कोई जाने ना जाने मेरा सतगुर दिल दिया जाने दर्शन देख जी हां गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा दर्शन देख जी हां गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा दर्शन देख प्रसाद के न विरले जाते अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद के न विरले जाते दर्शन दे दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा महाराज की दिल भी पूरी कर दे आस गुरु तो पौधा है
सपना दे ले।
जो बोले सोनी है श्री गुरुदास महाराज की, जो बोले सोनी रुपये कोंदे महान मर्शीद संत रामानंद जी महाराज की जय। Thank you.
कैरव दास मिले दासा जन्म जन्म के काटे मासा। नंगेरी तर जाऊगी जिथे चरण सताते पैने, नंगेरी तर हमारे बीच में आदरणीय संत मंदीप दास जी हम सबका मार्गदर्शन करें। सतना अमृतवाणी के रचेता गुरुओं के गुरु
साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में जुड़ बैठी गुरु गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का पावन पवित्र दिन समूह साध संगत करिंडवा निवासी संगत इलाका की संगत जिन्होंने महान प्रसाद किया कि आज जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र विचारधारा को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उन महान मानमान पुरुषों की विचारधारा को समर्पित आज विशाल सत्संग का आयोजन श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी करिंडवा के प्रधान श्रीमान गुरमुख सिंह जी एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर युवा दल करिंडवा की समुची साध संगत ने समूह प्रबंधक कमेटी श्रीमान सतीश कुमार जी श्रीमान करमवीर जी और सभी कमेटी मेंबरों ने मिलकर आज का समागम का आयोजन किया। तो सबसे पहले मैं महान पावन पवित्र तीर्थ स्थान डेरा श्री सुवर्षन सरबंदास जी सचखंड बल्लंग के संचालक परम वंदनीय हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी की तरफ से और दास अपनी तरफ से समूह साध संगत खिंडवा निवासी संगत को आज के शुभ दिन की मैं लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो सभी संगत ने मिलकर आज महान पुरुषार्थ किया कि जिन महान मान महापुरुषों की अपरंपार कृपा से हमें ऐसा आज सुंदर जीवन प्राप्त हुआ, उन महान महापुरुषों के नाम पर सत्संग का आयोजन किया है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने समुची मानवता को नाम जपने का पावन मार्ग याद कराया, तो गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत बड़ी गिनती में हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे नौजवान साथी, सर्दी का मौसम भी है थोड़ा, लेकिन आओ फिर भी गुरु चरणों में हम कुछ पाने के लिए अपने जीवन को सफल करने के लिए साहिब जी के श्री चरण कमलों में जुड़ बैठे हैं। आओ जितना भी समय संगत के अनुसार होगा गुरु चरणों में हम अपनी अपनी हाजिरी को लगवाएं। आओ सभी संगत तन कर कर तो बैठे हैं, प्रयास करें मन को भी गुरु चरणों में जोड़ने का। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने उच्चारण किया मन चंगा तो कठौती नहीं करेगा, साहिब जी ने इस मन को पवित्र बनाने की बात कही है। आओ सभी संगत एक बार मन वृत्ति को जोड़कर बैठे, सबसे पहले एक बार सतनाम का उच्चारण करें। जप सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम जो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, जो सतनाम 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 जी, हो सतनाम बोली कदे भी न डोली, सतनाम बोलिए कदे भी न डोलिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए, सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए, हो सतनाम कहिए सदा सुखी रहिए,
सतनाम जपो सतनाम 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 जपो सतनाम 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 जी सतनाम सतनाम। गुरु जी ने आप नाम जपिया और सबना संतान नाम जपन का होका दिता हर के नाम बिन झूठे सगल पास आ रहे। तो गुरु पैरी साध संगत जी दस तो पहले हुणे हुणे श्रीमान संत महाराज समुंदरदास जी खेड़ी सरपली तो सगुरां की महिमा सरोवर करा के गए ने। श्रीमान स्वामी चरण जी, श्रीमान सुनील नागरा जी, श्रीमान बलजीत फौजी साहब कुरुक्षेत्र तो, श्रीमान वरिंदर गंदा जी एडवोकेट शाहबाद तो भी अज पहुँचे ने। अज उन्होंने मैनू लिया की सेवा उन्होंने दी सी। गुरु पैरी साध संगत जी स्टेज सेक्टर की जो सेवा आ श्रीमान मियाँ सिंह जी रंगा बोली खूबी के नाल सबरा चलना विच मन संचालन की सेवा निभा रहे ने। तो अज का जो समागम है जिथे अज खरिंडवन वासी संगता देख रही ने ते काशी टीवी के जरिए जो कि समाज का मीडिया है तो गुरु प्यारी साध संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की गल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की गल पूरे विश्व में अज चैनलों के राही पहुँचाई जाती है। तो अज देश विदेश दियां संगतां सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र अमृत बाणी नूं सरवण करके अपने जीवन को पवित्र बनाउंदियां ने। तो काशी टीवी का बहुत सारे प्रबंधकों का धन्यवाद है, डॉक्टर रजेंद्र कलेर जी, श्रीमान बलजीत झल्ली जी और सारी समुची टीम का बहुत धन्यवाद है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सारिया संगतं गुरचरणों के जुड़ के बैठिए। आओ सब तो पहले सतगुरु की बाणी का शब्द उच्चारण करिए। Thank you.
भगपति यार Thank you.
प्यास लग जियो हो भय लग दास आस लग जियो चिर पैरो तर सन देखे उच्चारण किया परमात्मा जी बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके एक जन्म की गल नहीं दो जन्मां की गल नहीं सा गुरु जी कहिंदे बहुत जन्म ते अज गुरु जी की याद दे विच असी सारियां संगतां जुड़ बैठे हाँ घरां दीआं गल्लां असी रोज करदे हाँ रोज सुनदे हाँ
लेकिन अज साडा सभनां दा आउण दा जो गुरु चरणां दे विच पुरशार्थ है, प्रबंधक कमेटी ने, नौजवान साथी, बीबियां भैणां, सारियां संगतां ने बहुत सुंदर प्रयोजन किया। अज दा जो समागम रखिया, तन मन धन दे नाल सेवादारां ने इस समागम दे विच सेवावां करके अपने जीवन नूं सफल कर रहे हैं। तो गुरु पैरी सत संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज, जिन्हां ने समुची मानवता लई पावन उपदेश बख्श कीते, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। सच्चे पातशाह जी, एक जन्म की बात नहीं, दो जन्म की बात नहीं, गुरु जी ने कहा परमात्मा जी बहुत जन्म, कोई गिनती मिलती नहीं कितने जन्म आप जी से पिछड़े हुए व्यतीत हो गए। पर परमात्मा जी अगर मुझे जो जीवन प्राप्त हुआ, ये जन्म तुम्हारे लिखे, फिर मैं पूरे का पूरा जीवन नहीं आपके चरणों में आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनका पावन आगमन 1433 सम्मत माह की पूर्णमासी दिन रविवार को आदरणीय पिता संतोख दास जी, आदरणीय माता कलसी देवी जी के ग्रह श्री गोवर्धनपुर वाराणसी में हुआ। और गुरु रविदास जी महाराज 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु सतगुरु रविदास जी उस समाज के लिए संसार में आए जो समाज दुखी हो चुका था। जिस समाज के संसार में कोई बाह पकड़ने वाला नहीं था, सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने कहा मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिस राज में सभी को खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान प्राप्त हो, और उस राज में कोई छोटा बड़ा किसी के साथ, कोई गरीब अमीर किसी के साथ कोई भिन्न भेद ना हो। गुरु जी ने कहा मैं एक ऐसा राज चाहता हूं। और साहिब जी ने कहा उस राज का नाम क्या है? बेगमपुरा, शहर को नाओ दुख दो नहीं तैठाओ। साहिब जी ने कहा उस राज शहर का नाम बेगमपुरा है। तो आओ, आचार्य रजनी जी ने लिखा कि जिस प्रकार ब्रह्मांड में टिमटिमाते सितारे हैं, दुनिया के जितने भी संत हैं उन टिमटिमाते सितारों की तरह हैं, लेकिन उन सितारों में एक ध्रुव तारा होता है जिसकी सबसे ज्यादा चमक, जिसकी सबसे ज्यादा रोशनी होती है। साहिब जी ने कहा वो गुरु ध्रुव तारा गुरु रविदास जी महाराज है। दूसरे विद्वानों ने सतगुरु रविदास महाराज की जो तुलना है वो ध्रुव तारा से की है। सतगुरु रविदास जी महाराज जिनको संतों में संत श्रोमणी का खिताब मिला, और सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने इंसानों की तो एक बात है, पत्थरों को भी इस संसार में तार दिया। अगर एक पत्थरों को इशारा किया कि आज आपको पानी पे तैरना पड़ेगा, तो पत्थरों ने भी गुरु रविदास जी का हुक्म मानते हुए पत्थरों ने भी पानी पे तैरना प्रारंभ कर दिया। जो बोले सो निरपय श्री गुरुदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने जीवों की जान बचाई है, इंसानों पे गुरु जी ने कर्म किया तो जानवरों पे भी कर्म किया है। सतगुरु रविदास जी महाराज कितने उनके प्रसंग हैं, कितनी उनकी महिमा है कि सतगुरु रविदास जी महाराज उन्होंने हिरनी की जान बचाई, और कितनी उनकी महिमा है। आओ गुरु प्यारी सात संगत जी, गुरु चरणों में हम जुड़कर बैठे तो सतगुरु रविदास महाराज की जो पावन पवित्र वाणी है वो मानवता का संदेश देती है। गुरु रविदास महाराज की वाणी जुड़ने का, इंसानियत का मार्ग देती है। तो आओ सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो अपनी पावन पवित्र वाणी में उच्चारण किया, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास मानी। सच्चे पातशाह जी अगर आप चंदन हो तो मैं पानी हूं, और पानी जब चंदन में मिल जाता है तो गुरु जी ने कहा वो भी तिलक का रूप धारण कर लेता है।
तो आओ सतगुरु रविदास महाराज की पावन पवित्र वाणी का शब्द उच्चारण करें। Thank you.
Oh,
अंग रंग बस समानी जाति अंग रंग बस समानी प्रभु की तुम चंदन बोले सो नृप है सतगुरु रविदास महाराज की।